सिंध पुलिस ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का घर देख लिया, हाथ धोकर पीछे पड़ गए। आए रोज छापे, गुज़श्ता रोज से एक बार फिर पुलिस हलीम आदिल शेख के घर पहुंच गई। अपोजिशन लीडर के तर्जुमान का कहना है कि पीपी का चहिता एसआई फैजान करीम ने सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों के साथ छापा मारा। हलीम आदिल शेख से मुतालिक मालूमात दी, दोबारा आने का कहकर वापस चले गए। सिंध पुलिस की फुर्ती, अपोजिशन लीडर का घर देख लिया, गुज़श्ता रोज फिर पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख के घर पहुंच गई। तलाशी तो ना ली लेकिन पुलिस एहलकारों ने हलीम आदिल शेख से मुतालिक मालूमात जरूर ली, दोबारा आने का भी कह दिया और सारन बजाते हुए ये जा वो जा। छापे के वक्त अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली घर पर मौजूद ना थे। उनके तर्जुमान ने बताया कि एएसआई फैजान करीम पीपल्स पार्टी के चहीते हैं, सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों के साथ छापा मार टीम ले आए। बोले सिंध हुकूमत के कहने पर पुलिस इंतकामी कार्रवाई कर रही है, फैमिली को हिरासा किया जा रहा है। पीटीआई रहनुमाओं ने सिंध पुलिस के इकदाम की मजम्मत कर दी कि उनकी चार दीवारी के तकद्दस को बार बार पामाल किया जा रहा है, उनके बच्चों को जहनी टॉर्चर दिया जा रहा है। समझ से बालातर है कि ये हरासा की क्या जा रहा है। जब हलीम आदिल शेख साहब एक अपोजिशन लीडर है, बगैर स्पीकर के इजाज़त के उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उन्होंने बेल भी ले ली है। ये एक जो केस है, ये बुनियाद केस, जाली केस बनाया हुआ है, जिसके लिए ये एक्चुअली देखा जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और हम भी इसके लिए इनके फाइल कर रहे हैं, इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। दो दिन से लगातार पुलिस अपोजिशन लीडर के घर पर रेड कर रही है क्योंकि हलीम आदिल शेख के खिलाफ दो मुकदमा दर्ज हैं जिनमें जमानत कबल अर्ज गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।